सबसे पहले तो हम जो हमारे गांव की ग्रीनरी है, खूबसूरती है, वो हम अपने बहन भाइयों से शेयर करेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ इस वक्त जो है ना वो मौसमी जो है ना वो शुरू हो गया है। तो तकरीबन तकरीबन मौसमी तैयार हो गया है, और ग्रेट भी, जिसे आप ग्रेप फ्रूट कहते हैं, ये भी, इसका भी जो है ना वो सीज़न शुरू हो गया है। तो हमने कहा कि अपने बहन भाइयों से शेयर करें और उनको दिखाएं कि इस वक्त हमारे इलाके में, हमारे गांव में, जिस बहन भाई ने भी हमारे पास विज़िट करना है, खाने हैं, तो वेलकम, आएं, हम अपने बहन भाइयों का जो है ना वो वेलकम करेंगे। तो इसी के साथ जो है ना वो व्लॉग का आगाज़ करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट्स कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो चलें जी, व्लॉग का आगाज़ कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बहन भाई खैर खैर से होंगे जी। आज के व्लॉग का आगाज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो अपने देखने वाले बहन भाइयों को ये बताएं कि चाचू जी ने कहा है कि कल जो है ना मज़दूरों के लिए स्पेशल खाना तैयार करें। तो मज़दूर भाई जो है ना वो कुछ तो हमारे यानी कि गांव के हैं, और कुछ मिस्सी भाई जो है ना वो दूर से आते हैं, तो उनको खाना खिलाएं। तो जी अब मैं जा रहा हूँ बच्चों के साथ जो है ना शॉप पे, वहाँ जाके जो है ना वो दो देगू का सामान जो है ना वो मैं परचेज़ करके लेके आऊँगा। तो जी चलते हैं और शॉप पे, तो क्योंकि चाचू जी जो है ना वो बहुत ज़्यादा यानी कि हमारा भी ख्याल रखते हैं, और जो काम करते हैं उनका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो इस वजह से चाचू जी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही जो है वो रहमदिल भी हैं और बहुत नेक इंसान हैं। उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। तो क्योंकि अल्लाह ताला भी खुश होता है जब किसी जो हकदार हैं, गरीब हैं, उन पे जो है ना वो उनका ख्याल रखा जाए, तो अल्लाह ताला भी खुश होता है, तो इंसान भी खुश होता है। तो ये चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ, तो हमारे साथ रहिएगा, लाइक और शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा जी। बेटा जान की कोशिश कर रहा है। अच्छा अच्छा जान को मैं पूछ लेता हूँ। अच्छा जी, गाड़ी स्टार्ट कर ली है, तो क्योंकि गाड़ी की बैटरी भी जो है चार्ज हो जाएगी, और बच्चों को जो है ना वो जूठा भी मिल जाएगा। तो चलते हैं जी, बच्चों को जूठा भी देते हैं और गाड़ी भी स्टार्ट जो है ना हमने कर ली है। अच्छा जी, उमर ने गेट खोल दिया है, तो इस साइड से गाड़ी जो है ना वो गुजारेंगे जी। जियान मेरे साथ ही गाड़ी में बैठा है, जियान बहुत ज़्यादा खुश है। तो उमर भी बैठ गया है जी, दोनों बच्चे जो है ना गाड़ी में बैठ गए हैं। अच्छा जी, सामान लेके हम घर आ गए हैं। उमर ना लाई, ना लाई बेटा। हाँ जी, और बिल भी उतार दिए बिजली के, बहुत ज़्यादा बिल आए हैं, और इनकी वजह से मुझे ना नींद नहीं आ रही थी, बिलों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था कि इतने बिल और ये देखों का सामान जो है ना वो लेके आ गए हैं। तो आप जी इनको बाहर निकालते हैं, तो कल इंशाल्लाह देंगे जो है ना बनाएंगे, और मिस्त्री भाइयों को हम रोटी खिलाएंगे। अच्छा जी, सब तो पहले तो देगा का समान लैके आंदा वा, तो मैं फियाज भाई उन्होंने कह रही थी कि मैं क्या तुसी ना जिस तरह नहीं असी देगा बनवाते हैं ना, मतलब चाचू जी बनवाते हैं, पैसे चाचू जी देंगे तो समान असी लैके आने बनवाते हैं मेहनत साड़ी है। हाँ जी, तो मैं क्या भी तुम कि उस जो बाइक को अं बनवाते हैं ना, तुम वो हाथ के भी चावल बने खा के देखो। मैं क्या
अम्मी जी उन्होंने ना उत्थे जिस दिन असीं गए सी देगां बनवाईआं सी ओह पहली दफा ना उस भाई नूं बुलाया, पहले एक दफा बनाया उन्हें बहुत अच्छे चावल बनाए, इस दफा उन्हें ना इन्ने टेस्ट ही नहीं सी बनाए, ना कोई कलर सी ना कोई, मैं कभी चावल नहीं सही है तुसीं साडे ना जिहड़े भाई को बनवाने ना तुसीं उहदे बने खा के देखियो। तो मैं भाई फिर क्या सुबह आ जी तो चावल ना चैक करी भी साडे वाला भाई किस तरह बनाता वा, तो उन्हें कहा भी नहीं मेरी एक मसरूफी है तो सुबह मैं जरूरी काम उधर जाना पै गया, तो मैं ना नहीं तो जरूर आना सी, नाले मैं पर्दियाँ वगैरह देख के जानी है जो काम करवाया मेरा बहुत दिल करता सी, तो पता नहीं हम आ सकता कि नहीं आ सकता। तो चाचू जी ने कहा कि मजदूर भाइयों का ना सुबह सारे का खाना तुम बनाओ, ये सिर्फ मजदूर भाइयों वास्ते चाचू जी बनवा लगे, दूसरा चाचू जी ने कहा 12 रुपये लवल भी आ, तो सारे काम भुगत जाएंगे नाल नाल। तो साड़ी चाची जी तो माशाल्लाह इन्ने अच्छे दिल दी है, इन्ना बड़ा दिल है, और कहिंदे डेली मजदूरों का खाना बनाओ, डेली एक देख लवाओ, किसे दिन सालन रोटी कर ली, किसे दिन चावल कर ले, ते लेकिन असी क्या चाची जी असी उन्होंने ना खाना वगैरह के पैसे ने वेच ही दिते हुए, तो वो खुद इतने होटल तो लिया के खा लन या घर चो लिया के खा लन, पैसे बचा लन, क्योंकि असी इदा पूरे नहीं आ सकते है, एक तो थोड़ी इन वासियां आनियाँ पिछे तुम जोर ला बस नहीं जा रहे। तो अच्छा जी ए गल काफ़ी सारिया हो गई, तो मैं कोई इनिया नहीं हुई अजे थोड़िया ही हुई थोड़िया हुई। अच्छा जी तो चलो हम कम दिखाने केड़ा केड़ा होया वा, सब तो पहले तो साढ़े काफ़ी मिस्त्री दो तीन किस्म के लगे हुए हैं। अच्छा जी तो बस आज मिस्त्री भाइयों ने ना शाम टाइम आके थोड़ा कम पहले उधर किया, उस तो बाद इधर किया वा, तो यह साड़ी हवेली ना पलस्तर होने लग गई है, तो माशाला हले बच्चे पिलर जो रेंदे हैं, तो ना पलस्तर भाई काफ़ी तेज़ कर दे, हाँ जी जिहड़ा काम उन्होंने नहीं किया हो तो थोड़ा उन्होंने टाइम लगता वा, वह खुद दस देंगे क्या काम मैं नहीं किया हो, फिर चाचू जी कहते कोई गल नहीं सीख लो, अगर नहीं भी आता खराब भी हो गया तो बिठा के दोबारा बना लूँगा, तुम मेरे काम से सीख लो। तो लेकिन पलस्तर वो काफ़ी ना पिछे कुड़कड़ियाँ दीवार से तीन दिन उन्होंने कर दती बैक साइड से ना, तो चलो आज हूँ बस किचन दिखा दीए, तो जिते वो चाचू जी ने चिप्स पवाई वो दिखाइए, फिर मैं सालन बनाना वा सुबह की, मैं काफ़ी महसूस ही ताज नहीं है मेरे को, आज चलिए फिर जरा ना वो दिखाइए। किचन माशाल्लाह काफ़ी सोहना हो गया वा, किचन बहुत प्यारा बन गया, तो तुसी ओ जेड़ा ग्रैंडर ग्रैंडर जेड़ा कहने चलो आ दिखाओ ना पहले क्या कीटिंग वाली जगह। अच्छा जी एथे मेरे ख्याल चिप्स पवाई आ, एथे भी ग्रैंडर ना होएगी तो चिप्स जे निकलेगी इस तरह दी निकलेगी, स्लाब चढ़ गई इथे तक है देख ना ए चीज ते इथे तक स्लाब हो गई, चाचू कहंदे सी भी जिथे तक टूटियां ना उथे तक जेड़ा ना वो लगवा दो। ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੈਂਸ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਚਿਪਸ ਪਵਾ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਲਾਈਟ ਆਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚਾਚੂ ਜੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹ ਚਿੱਤਪਾ ਵੀ ਚਾਚੂ ਜੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੀਜੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਿਸਤਰੀ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਨੁਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਨੀਚਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਧੋਤਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਰਿਸ਼, ਹਾਂਜੀ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਤਰਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਪਲਸਤਰ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਨੁਕਰਾਂ 'ਚ ਖੜ ਗਿਆ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੀਵੀਆਂ ਆ ਉੱਚੀ ਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਖੇਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡੋਲਦਾ ਸਾਰਾ ਨੀਚੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਜਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸ਼ੀਟ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਪ ਸ਼ੂਰ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਡੁੱਲਣਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਖੇ ਖਰਾਬੀ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੈਂਡਰ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਚਿਪਸ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਨਿਕਲ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਫ ਕਰਾਉਣੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਹੀ, ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਲਾ ਮਾਸ਼ਾਲਾ ਆਇਆ ਸਰ ਜੀ ਕਹੋ ਇਹ ਚਾਚੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੋ ਦੋ ਸਰੀਏ ਰਖਵਾਉਣੇ ਆ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰੀਏ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੱਟਾ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ
चीज़ा छोटिया भी रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने इतने ग्रैंडर में थोड़ी थोड़ी होर झरी लगा देंगे तो फट्टी सही तरह आ जाएगी गिरे गिरे। उन्होंने सारे चीज बना दी है, उन्होंने अपनी सियास लड़ाई है तो असं सरिए भी साढ़े खत्म हो गए जी, असं उन्ना की लिया जिन्ना कि ना जरूरत होंगी अगर वादू की नहीं मिण के दें हाँ जी मिण के दें इन्ना चाहिए अभी उन्ना लिया वा तो फिर आना बना दिता वा इतने फट्टा रख सकते हैं उपर छोटे बर्तन या चाय वाले कप या बंदा कोई इस तरह की चीज़ रख लगता नीचे बंदा बड़ा बड़ा समान रख लगा वा तो यह सारा हो गया वा तो हम मैं अपना कर लवा दूसरा नहीं एडा भी छोटा नहीं 14 दा रूम आ 12 14 दा सारे रूम च मेनू थोड़ा ज्यादा रूम प्यारा लगे ओने क्या मैं काम कर रहा लेकिन अगर तुसी मेरे तो पुछो मेनू सिर्फ ए रूम पसंद आया कलर हो गया बहुत खूबसूरत लग रहा है, सिर्फ इन्होंने जिस तरह कलर डिजाइन चाहे उस तरह ही करवाना, बहुत ज्यादा कलर नहीं करवाना। ठीक हो हां सिंपल सिंपल उन्होंने बस ना थोड़ा थोड़ा किया हुआ है, ऐसा भी मेरे ज्यादा सब तो प्यारा सीन लगता है। अच्छा जी इस जगह तो इसकी तार जी क्रैक हो गई है तो बच्चों नूं शॉर्ट लगन का खतरा सी। एक दफ़ा अदन कह रही थी कि पापा शॉर्ट लगती है तो मैं इतने ना हूँ सोल्यूशन टेप जी ना लगा दिया तो यह सोल्यूशन टेप मैं लैके आया इस दुकान तो यह मैं लगा दिया जी। यह सीन असं अपनी चाची वास्ते पाने चाची जी ने खेतों के सीन बहुत ज़्यादा पसंद आ तो चाची जी जे बहुत शौक में देखती है तो चाची जी असं बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। अच्छा जी शाम का खाना बना लिया, रोटी बना के रख लिया, सब्जी बना लिया, वो थोड़ा जहा बनाया आलू मुंडा बनाया बस तो सारे दिन काम लगे रहता वा फिर ना कोई जी मुश्किल आँगी है ना वो बनाने टाइम लगता वा बस फिर अगे एक दिन चने बनाए थे छोले वाले बहुत टेस्टी बने हाँ जी तो अज आलू मुंडा बस बनाया तो 5 रोटियां बनाइया वा। अच्छा कल एक आप ही सी पता नहीं कौन सी या भाई सी अलबत्र जानता तो उन्हें कहा कि एक कोई हलवा वा हलवे च मैं दसना चाहना कि 100 वैरायटी हलवे च बनती है। नहीं हलवा साडी होजी च बादाम पिस्ते उते छिड़क लेंदे दे विच पर मेरे बच्चे नहीं खांदे मेनू उस चीज दा कोई इरादा बनाईदा। उन्हें कहा कोई हलवा बनाया मैं ओदे कमेंट्स दा जवाब देना चाहना कि हलवे च इन्नी क वैरायटी है जिस तरह दा मर्जी तुसी बना लो। हां जी साडे च इही पसंद करदे जेड़ा सी पसंद करदे सी ओ चीज बनानी है सी लोकां दा दिखावे वास्ते बना के खीर बनाई पाते हैं ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਮੈਡਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ